आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, स्कूल खोलने पर भी दिया जवाब। मिशन काशी पर पीएम मोदी, क्रूज से रविदास घाट पहुंचे पीएम मोदी, 6 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्मार्ट डीआरडीओ, ने दी जानकारी। ईडी ने पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा, जब्त की करोड़ों की संपत्ति। भड़की प्रियंका गांधी, सीबीएसई एग्जाम पर किए सवाल, बोली हम बच्चों को ऐसी बकवास चीजें क्यों सिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मसूरी के आसपास की पहाड़ियों पर हिमपात होने के बाद तापमान में भारी गिरावट आ गई है और सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, साथ ही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लिया। वहीं विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाकर ठंड से बचाव किया जा रहा है और लोगों ने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज है तो आने वाले क्रिसमस पर बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नगर पालिका द्वारा हर साल जो है ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है, इस बार किस तरीके की नगर पालिका की तैयारियां ठंड को लेकर? देखिए, आपकी जानकारी में लाऊंगा, हर वर्ष 15 दिसंबर के बाद ही मसूरी में अलाव की जो लकड़ी है उसकी वो जलाई जाती है और इसको देखते हुए कल से, क्योंकि वन विकास निगम से को हमने जितनी धनराशि है वो जमा करा चुके हैं और आज जैसे ही हमें लकड़ी उपलब्ध होती है हम यहाँ से व्हीकल। रुड़की में राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। राहुल गांधी की देहरादून में रैली होने जा रही है जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में हर जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस सरकार से उत्तराखंड की जनता परेशान हो चुकी है और इस बार उत्तराखंड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। रैली के तैयारियों में जुटे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। रुड़की से हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी की रैली होने जा रही है जिसके चलते वहां के कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं और उत्तराखंड में हर जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस सरकार से उत्तराखंड की जनता परेशान हो चुकी है और इस बार उत्तराखंड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो 16 तारीख को हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी परेड ग्राउंड में आ रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश में हर साथी अपना, चाहे हमारे विधायक हो, पूर्व प्रत्याशी हो, हमारे पदाधिकारी हो, हमारे वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, सब ने पूरी ताकत लगा रखी है। ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। कल आपने देखा हो राजस्थान में कितनी बड़ी रैली हुई, तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी रैली होगी और हमने अभी हम बराबर अपने जनता के संपर्क में, हम हर गांव में अपनी गाड़ियां, अपनी निजी गाड़ियां हमने हर जगह बांट रहे हैं कि किस तरह हमारे आदमी जाएंगे। मेरी विधानसभा से कम 1500-2000 के बीच में यहां से। ऋषिकेश शहर में जनहित के मुद्दों पर लगातार आंदोलन करने वाले उत्तराखंड जन विकास मंच ने एक बार फिर बिजली पानी के बिलों और हाउस टैक्स को लेकर संबंधित विभागों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार रोड पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन मंच के सदस्यों ने शुरू किया की मांग की है। मांगा है कि बिजली का बिल प्रत्येक महीने भेजा जाए, कि पानी के बिलों में हर साल होने वाले 15% की वृद्धि को घटाकर 2% किया जाए, हाउस टैक्स को भी कम किया जाए। मंच से सदस्यों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। मांगों पर विभागों ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो कार्मिक और फिर आमरण अनशन भी किया जाएगा। धरना स्थल पर पहले ही दिन कांग्रेस ने भी मांगों का जायजा ठहराते हुए अपना समर्थन दिया है। हमारी मांग है बिजली का बिल मंथली दिया जाए,
और बिजली में जो बिल के साथ जो है फ्यूल चार्ज, ग्रीन टैक्स, फिक्स चार्ज ये समाप्त किया जाए। पानी के बिलों पे जो है 15% की जो है अप्रत्याशित वृद्धि हर साल हो रही है, जो 2006 से लगातार अनवरत जारी है, इसे वापस लिया जाए। इसे मात्र 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो अभी हमारे सबके ऊपर जो पूरे ऋषिकेश नगर निगम के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आई कि हाउस टैक्स वाला है, जिसे मतलब जो है संपत्ति कर हम कह रहे हैं, उसमें होटल इंडस्ट्री से लेके हर एक छोटा कमरे में रहने वाला व्यक्ति भी परेशान है। आपने छूट दी थी, मैंने करीब 1-1.5 साल पहले जब उस टाइम 2019 के पास में समय में मैंने इन्हें पत्र दिया था कि आप इसकी दरें कम ही करें। आपने दरें कम नहीं करी और आपने सीधे सीधे जो है छूट का एक, जब हम उस टाइम भी आंदोलन की बात कर रहे थे तो आपने छूट करा करके लोगों से वाहवाही बटोरी, उसके बाद आज जो है वित्त से ऑब्जेक्शन लग चुका है। ये बात मेरे पत्र में पहले ही कह दी गई थी कि जनहित के मुद्दे जहाँ भी उठाएगा हम उनमें साथ हैं, और जनहित के सामाजिक जो नेतृत्व है, सामाजिक पूर्ण सामाजिक नेतृत्व के साथ हम धरना स्थल पर यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उपस्थित रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे मुद्दे आशु भाई व उनकी टीम उठा रही है, तो हम इसको समर्थन करते हैं। वाकई कोरोना समय के बाद जो बिजली पानी के बिल माफ़ कर दिए जाने थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसको बढ़ाने का काम इस गवर्नमेंट में किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम अगर अपने माध्यम से भाजपा नेता भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनकी आंखें खुलनी चाहिए। और हम तो खैर विपक्ष का काम निभाएंगे और जनहित के मुद्दे जो भी होंगे। पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर सितारगंज पहुंचे, जहां शक्ति फार्म के समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यवसायी श्यामा प्रसाद विश्वास और पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी मालती विश्वास के बड़े पुत्र शुभम विश्वास की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सितारगंज के वरिष्ठ समाज सेवी हुकुम चंद मित्तल के आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी संवेदना व्यक्त की और उन्हें परिवार को ढांढस बंधाया। पूर्व राज्य मंत्री यशपाल आर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्रत्याशियों के चयन का फैसला कांग्रेसी की हाईकमान को करना है, और जो भी फैसला हाईकमान का होगा सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को मानना होगा। वहीं भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है और कांग्रेस में भी हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जानकारी प्रस्तुत की है, लेकिन फैसला निर्णय हाईकमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। प्रदेश कांग्रेस के का जो हमारा पैनल है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें चयन होना है, उसके बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और निश्चित रूप से जहाँ पर भी जो भी फैसला केंद्रीय करेगा उस फैसले को सभी कार्यकर्ता और सभी दावेदार उम्मीदवार। रुड़की में नगर निगम की टीम की तरफ से सुनहरा रोड स्थित निगम की भूमि को कब्जाए जाने और उस पर अवैध निर्माण किए जाने को लेकर कार्रवाई की गई। नगर निगम के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल ने नगर निगम अधिकारियों और तहसीलदार के साथ कब्जाए गए स्थान पर पहुंचे और उन्होंने JCB के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। 3 दिन पहले एक मामला प्रकाश में आया कि नगर निगम की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा उस पर अवैध दीवार का निर्माण किया गया। उसे तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए आज उस जो निर्माण की गई थी दीवार उसको ध्वस्त कर दिया गया है और उसको पजेशन में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि बहुत जल्द से जल्द हमारा प्रयास होगा नगर निगम की जितनी भी भूमि है उन सबको जल्द से जल्द पजेशन में ले लिया जाए, उन पर 4 दीवारी करा दी जाए। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम ने चलाई है एक मेयर गौरव गोयल मौके पर मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक अवैध निर्माणों पर जेसीबी चलाई, जहां अवैध निर्माण किए गए भवनों को ध्वस्त कराया, जहां पर मेयर भी मौजूद रहे। नगर निगम ने चलाई है अवैध निर्माण पर जेसीबी की कार्यवाही, जहां पर तमाम अधिकारी लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल निगम के अधिकारी और तहसीलदार के साथ कब्जाए गए स्थान पर पहुंचे और उन्होंने जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। नारायणगढ़ प्रखंड के उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के चौपता गांव में 5 दिसंबर को चौपता चौरी सिद्धपीठ में प्रारंभ हुआ। नवरात्र मेले में इस बार हजारों की संख्या में देवी भक्तों ने हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
सिद्धपीठ मंदिर में आरती पूजन के साथ ही नवरात्र शांति के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें नौ गांव को लोगों को साथ ही तमाम श्रद्धालुओं ने भी आहुति दी। इसके बाद विधि विधान और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ गिरजा भवानी राजा राजेश्वरी की मूर्ति पर पूजा किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह सिनवाल और कड़ाकोट पट्टी के समस्त नौ गांव के लोगों ने शासन प्रशासन सभी श्रद्धालुओं व मेलार्थियों का शांतिपूर्ण ढंग से चौपता चौरी कौंथिक में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है। सांस्कृतिक लिहाज से ये पूरे मध्य कड़ाकोट का मुख्य मेला है और देखा जाए तो ये कुमाऊं और गढ़वाल का साझा मेला भी कह सकते हैं, जिसमें बागेश्वर से लेकर और टिहरी तक के लोग शामिल होते हैं। इस मेले की एक बड़ी खूबी ये भी है कि इस पूरे इलाके के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं और जो लोग काम धंधे में बाहर रहते हैं वो इस वक्त के लिए, इस पोथी के लिए अपनी छुट्टियों को बचा के रखते हैं और इसमें शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में ध्यानियां हमारी जो बहनें हैं वो आती हैं, तो एक तरीके का जो मेल जोल है संस्कृतियों का, क्योंकि वो बाहर अलग अलग परिवारों में ब्याही गई हैं, तो वहाँ की संस्कृतियाँ इस मेले को आज माँ राजेश्वरी गिरजा भवानी के नवमी के पर्व के दिन यह संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पंचायतन पूजन, उसके बाद माँ की नृत्य लीला आरंभ हुई और उसके बाद दिन में घोड़ेता घोड़ेरा और अंत में माँ ऐन्द्री का पराशक्ति से मिलन जब यहाँ पर हुआ और उसके बाद माँ अपने कैलाश धाम को चले जाती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे करती कि फले फूले रहें, समस्त क्षेत्र की खुशहाली के लिए सभी लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की, माँ को मनाया, खुश होकर के माँ भक्तों को वरदान देने के लिए जब आई मैदान में गई और अपना आशीर्वचन चावल के रूप में फल के रूप में सबको। बाजपुर में तीन कृषि काले कानून को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान के बैनर तले लाखों किसान 380 दिन से लगातार धरना दे रहे थे, जिसमें कई लोगों की जाने गई। उसके बाद सरकार ने कृषि काले कानून को वापस लेने पर गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह और गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा प्रताप सिंह समेत सैकड़ों किसानों को फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जो अड़ियाल हमारा प्रधानमंत्री था उसको जीत के आ रहे हैं खुशी में, और हमें ये तकलीफ भी हो रही है कि हम एक अपना मंदिर छोड़ के आ रहे हैं। अंकल जी स्नान छोड़ के आ रहे हैं। तीन कृषि कानून वापस और किसानों के एमएसपी समेत अन्य मांगों को केंद्र के मानने के बाद किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से नानकमता के लिए रवाना हुए। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से चला किसानों का फतेह मार्च रात्रि लगभग 9 बजे सितारगंज पहुंचा। वहीं किसानों का फतेह मार्च सितारगंज पहुंचने पर व्यापार मंडल समेत किसानों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, साथ ही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लौटे किसानों को बधाई भी दी। किसानों का एक बहुत बड़ी जीत हुई है, 700 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 1 साल 13 दिन 378 दिन आंदोलन चला, बहुत कुछ हमने खोया, लेकिन एक उससे ज़्यादा उपलब्धि ये रही कि हमने इस आंदोलन में जो आपसी भाईचारा और किसानों को जो विश्वास था उस विश्वास को हमने पाया है। और जो ये लोग कहते थे कि ये कानून वापस नहीं हो सकते और वो तानाशाह सरकार है जो कभी वापस नहीं हुई, लेकिन इस किसान आंदोलन के अहिंसक था, शांति रही, एक रहे और एकता का परिणाम ये हुआ, इन शहादतों के नतीजा ये हुआ कि सरकार को वापस होना पड़ा और देश के उन करोड़ों लोगों की जो जुबान मुद्दा था, जो किसानी जो आर्थिक गुलामी होने जा रही थी, उस आर्थिक गुलामी से लोगों को निजात मिली है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक ना तो हुई है, शायद ना हो पाएगी। जिस जीत को जीतने के लिए इतनी लंबी अवधि लग गई जो आज तक अंग्रेजों के कार्यकाल तक में नहीं लगी थी, इस समय जीत का ऐसा माहौल है, किसानों की जीत का इतना बड़ा माहौल है कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ वितरित की गई हैं, पटाखे बजाए गए हैं। बहुत ही बासपुर के काला ढूंढी में ग्राम बैल पड़ाव में 100 एकड़ भूमि पर स्टोन क्रेशर स्वामियों ने 2 फीट से लेकर 5 फुट तक की परमिशन राजस्व विभाग ने दी है। यह परमिशन बासपुर के स्टोन क्रेशर स्वामियों ने ली, जहां के लगभग 40 एकड़ भूमि में लगभग 70 से 80 फीट गहरी खुदाई कर अवैध खनन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता हरकेश कुमार ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर अवैध खनन पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए अवैध खनन को रोकने के दोनों जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए। दोनों जिलों के स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ के चलते इस अवैध खनन के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं स्टोन केसर स्वामियाओं ने गुर्गो ने याचिकाकर्ताओं के डंपर के नीचे दबाकर जान से मारने की धमकी दी। मैं निवासी हूं, मैं एक मतलब मैं सही काम को के लिए जाना जाता हूं और ये जो जंगल के किनारे इन्होंने 80-80 फीट के खड्डे डाल दिए हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हमें देश विदेश से पैसा मिलता है और उसमें जीव जंतु गिर के मर सकते हैं और उसमें पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जिसे आम जन जीवन बिल्कुल खतरे में जा रहा है। हम यहाँ के निवासी, हमारी जो मांग है कि ये इसकी ऑनलाइन वीडियोग्राफी के जरिए इसकी जांच हो और ये अगर उसमें जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और ये प्राकृतिक छेड़छाड़ वाले जो मसले हैं उसको रोका जाए। LAC स्टोन क्रेशर है, दबका स्टोन क्रेशर है, बाजपुर स्टोन क्रेशर है, ओम का स्टोन क्रेशर है, इनसे मेरे को खतरा बना हुआ है। ये बोल रहे हैं एक्सीडेंट से आपको मार दिया जाएगा और उसके बाद यूपी में उत्तराखंड में झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। हमारे पास पैसों की पावर है, उच्च अधिकारी हमसे मिले हुए हैं, हम आपको जेल भेज देंगे। जो भी मेरे को माल जान माल का खतरा होगा इनसे खतरा है, कुछ भी नुकसान होता मेरा ये मेरे जिम्मेवार होंगे, क्योंकि अवैध खनन चल रहा था बैल पड़ाव में। मैंने उच्च न्यायालय में रिट दायर करी है उस और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने कृषि बिल वापस लिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैल पड़ाव में जश्न मनाया। बता दें कि किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में किसानों को 378 दिन तक आंदोलन करने के उपरांत सफलता हासिल हुई। वहीं 712 किसान शहीद होने के बाद किसानों ने सरकार को झुकने के लिए विवश कर दिया। इस मौके पर बैल पड़ाव के कांग्रेसी कार्यकर्ता पीयूष बिष्ट का कहना है कि आंदोलन के बल पर ही देश को आजादी मिली थी। वहीं किसानों द्वारा किए गए आंदोलन से कृषि काला कानून बिल वापस किया गया। कृषि कानून बिल वापस लिए जाने से किसानों की ही नहीं हर उस व्यक्ति की जीत हुई है। किसान लोग एकत्रित हुए हैं, इस किसानों के द्वारा जो विजय पाई है वो एक ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और इस खुशी में किसान यहाँ पर एकत्रित होकर खुशी मना रहे हैं और किसान वितरण कर रहे हैं। लगातार 378 दिन के बाद 712 किसानों के शहीद होने के बाद सरकार को झुकाने का काम जो हमारे किसानों ने किया है, उसके बाद हम अपने जो ये काले कानून वापस करवा पाए हैं, यह एक लोगों के लिए एग्जाम्पल के रूप में है कि आंदोलन से, क्योंकि हमारा देश आंदोलन से ही आजाद हुआ है और आंदोलन से ही। हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय की ओर से स्टे ऑर्डर दिया गया है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमारे पास न्यायालय की तरफ से दिया हुआ ऑर्डर है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई फैसला आने से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह दबंग किस्म के लोग फिर से इस पर निर्माण कर रहे हैं और अगर इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। आज भी यह लोग स्टे ऑर्डर लगी हुई इस प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये हमारे जो हमारा प्लॉट है इस पे हमने स्टे ले रखा है और वो जबरदस्ती गुंडागर्दी से हमारे घर में आके मतलब यहाँ पे हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं हमारा, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारी रिपोर्ट सब कागज़ वगैरह सब तैयार है हमारे पास, लेकिन 2013 की खरीदी हुई रजिस्ट्री है, लेकिन वो इस चीज़ को नकार रहे हैं और डंडे के जोर पे गुंडागर्दी से इस प्लॉट को हथियाना चाहते हैं। खबर हरिद्वार से है जहां पीड़िता ने लगाया है आरोप, दबंगों ने किया है जमीन पर कब्जा।
पीड़िता का कहना है कि दबंग जबरदस्ती कर मारपीट कर रहे हैं, जहां जिसके चलते तमाम दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ा है। इस प्रॉपर्टी पर कोई फैसला आने से पहले किसी भी प्रकार का हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय की ओर से स्टे ऑर्डर दिया गया है। वही पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमारे पास न्यायालय की तरफ से दिया हुआ ऑर्डर है और इस प्रॉपर्टी पर कोई फैसला आने से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह दबंग किस्म के लोग फिर इस पर नियंत्रण कर रहे हैं और अगर इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। आज भी यह लोग स्टे ऑर्डर लगी हुई इस प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से हम दिखा रहे थे, जो दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया है, पीड़िता ने लगाया है मारपीट का आरोप, जहां तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पीड़िता का कहना है कि बात न मानने पर मारपीट की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है, जबरन उन पे कार्रवाई की जा रही है। जहां दबंगों ने चमोली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। स्की एंड स्नोबर्ड इंडिया ने प्रतियोगिता आयोजन के लिए एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की अनुमति दे दी है। स्कीइंग खेलों के लिए औली के नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप को अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन महासंघ FIS ने मान्यता प्राप्त है। इस साल भी प्रदेश के स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड को औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन की अनुमति मिल गई है। स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि नेशनल जूनियर एंड सीनियर ओली में कंडक्ट करने के लिए 2022 में उसकी तैयारी में लगे हैं। एक जॉइंट सर्वे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ITBP, गढ़वाल मंडल विकास निगम, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एसोसिएशन सब ने मिल के किया है, और जो जो कमियां या जो जो इम्प्रूवमेंट्स होनी है उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उस पर इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया गया है। हमको उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा इवेंट होगा। सतारगंज विधानसभा के ग्रामपाल नगर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद घर के सदस्यों ने महिला को बचाया, जहां डॉक्टर ने महिला का उपचार किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने कहा कि पीड़ित महिला के पति को झूठे आरोप में शक्ति फार्म चौकी पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस परिवार की बात नहीं सुन रही। इसी से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। आयु लगभग 23 वर्ष है, पालनगर की निवासी है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि कुछ पति के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए पुलिस के द्वारा, उस संबंध में जो भी उनकी वैधानिक कार्रवाई हुई है उससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और उनके परिजन को अस्पताल लेके आए, उनको उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल स्थिति उनकी सामान्य है और भी उनकी जो आवश्यक उपचार संबंधी स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं प्रशासन के माध्यम से। विजुअल निशान नहीं है, जाहिरा निशान जिसे बोलेंगे, ऐसा कोई जाहिरा निशान देख। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।